प्रदेश में शराबबंदी के लिए लड़ाई लड़ रही पूनम छाबड़ा के नेतृत्व में रामगढ़ कस्बे में शम्मू दयाल सोनी के सानिध्य में शराबबंदी और भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए देवउठनी ग्यारस की देर शाम भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है और नशा मुक्ति अभियान के तहत रामगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में दूध पार्टी का आयोजन कर लोगों को नशा छोड़ो दूध पियो के तहत गर्म दूध वितरित किया गया। कस्बे के रिटायर्ड व्याख्याता एवं समाज सेवी अजीत जैन का कहना है कि पूनम छाबड़ा प्रदेश में शराबबंदी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि छोटे से राज्य बिहार में शराब के परिणामों को देखते हुए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है तो राजस्थान में भी लगना चाहिए। शराब सेवन के कारण अधिकतर दुर्घटनाएं होती है, शराब के कारण ही अनेक घरों में कलह चलता रहता है और शराब के सेवन से ही अपराधों को अंजाम देते हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए स्वयं को ही संकल्प लेना होगा कि ना तो हम रिश्वत लेंगे और ना ही हम रिश्वत देंगे। दूध पार्टी का आयोजनकर्ता शंभू सोनी का कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, देश को बचाओ, शराब बंद हो, इससे लोग परिवारों में अमन चैन के साथ रह सके। शराब के कारण ही लूट डकैती जैसी बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। रामगढ़ चौपड़ बाजार में शराबबंदी और भ्रष्टाचार के संदर्भ में पूनम जी छाबड़ा के नेतृत्व में शंभू दयाल सोनी जी के सानिध्य में ये चौपड़ बाजार में कार्यक्रम किया गया। सोनी जी ने ये संदेश दिया, हम सभी को शराब छोड़नी है और इस एवज में सभी लोगों को दूध पिलाया गया। ये हम सभी का मानना है कि शराब से हमारा तंत्रिका तंत्र खराब होता है। WHO की रिपोर्ट 1969 में ये बात सामने आई थी कि शराब पीने से बहुत सारी दुर्घटनाएं, हत्याएं, एक्सीडेंट इसका मुख्य कारण है। हम तो सभी आमजनों से ये अपील करेंगे कि यदि हम शराब को छोड़ दें तो जो घरों में पारिवारिक कलह है, जो बच्चों के साथ मारपीट होती है, जो पत्नियों और पतियों के जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, इन सभी से हमको राहत मिल सकेगी। शराबबंदी से परिवार का ढांचा भी बिगड़ता है और इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। जापान के अंदर तो ये कहावत है कि आदमी ड्रिंक करता है, ऐसा नहीं है, ड्रिंक आदमी को मारती है, जापान में ये प्रसिद्ध कहावत है। और भ्रष्टाचार के संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि रोजाना अफसर पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें इस बात को मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, भारत सोने की चिड़िया नहीं कहला सकता। हम स्वयं ये संकल्प लें, हम ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे। यदि ये संकल्प हम लें तो निश्चित रूप से भारत उन्नति कर सकता है और हम विकासशील देशों में अपना नाम शीघ्र ही लिखा सकते हैं। आज चौपड़ बाजार रामगढ़ में शराब छोड़ो भ्रष्टाचार मिटाओ के उपलक्ष्य में आज देवउठनी ग्यारस को दूध पार्टी का आयोजन किया गया है। इसमें गर्म दूध करके और सबको दूध पिलाया जा रहा है और ये प्रचार किया जा रहा है कि शराब छोड़िए और दूध पीजिए। दूसरा, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर अंकुश लगे, इस पर्पज के लिए आज चौपड़ बाजार रामगढ़ में दूध पार्टी का आयोजन किया गया है। श्रीमती पूनम छाबड़ा जी कल से अनशन पर बैठ रही हैं, उनका सपोर्ट भी इस प्रोग्राम में किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, जिस प्रकार बिहार जैसे गरीब राज्य में शराब पर पाबंदी है, गुजरात में पाबंदी है, इससे अपराध बढ़ते हैं, बलात्कार को संरक्षण मिलता है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, मांग करते हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए।